मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। 7 मई तक प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। कोरोना पर काबू पाने के प्रयास के परिणाम अब दिखने लगे हैं। अब पॉजिटिविटी रेट 10वें नंबर पर पहुंच गई है। बुधवार को 14,510 लोग स्वस्थ हुए। चिंता वाले शहरों में सीएम खुद निगरानी कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की समीक्षा की गई। गेहूं खरीदी लगातार जारी रहेगी। स्ट्रीट वेंडरों के खाते में 1,000 रुपए डाले जाएंगे। राशन वितरण के लिए थम इंप्रेशन को कुछ दिनों के लिए टाला गया है। सीएम शिवराज की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई है। आपको बता दें कि निवाड़ी दतिया में यूपी से आने वाली बसों पर भी विचार किया जा रहा है। कोशिश हो रही है कि सभी को मेडिकल किट वितरित किए जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल के साथ 18 जिलों की समीक्षा की। पूरे प्रदेश की समीक्षा में प्रसन्नता की बात यह है कि आज लगभग 1500 एक्टिव केस कम हुए। कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने के लिए जो प्रयास मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, लंबे समय से हमारे अधिकारीगण कर रहे थे, साथी मंत्री कर रहे थे, उस लॉकडाउन के प्रयासों के कोरोना की चेन टूटने के परिणाम आज दिखाई दिए। जो 21 अप्रैल को है, मध्य प्रदेश एक्टिव केस के मामलों पर 7वें नंबर पर था, आज वो घटकर 11वें नंबर पे आ गया। हमसे ऊपर अब 10 प्रदेश है। पॉजिटिविटी भी घट रही है। कल जो हमारी रिकवरी रेट 23 तारीख को 80.39 थी, आज वो बढ़कर 85% हो गई। कल जो स्वस्थ होकर 11,671 लोग घर गए थे, आज वो बढ़कर 14,580 लोग स्वस्थ होकर घर गए। मुख्यमंत्री जी का आग्रह है कि कोई भय भ्रम न फैले, इसके लिए जो लोग स्वस्थ होकर आ रहे हैं, लोगों के दिमाग से वो भ्रम भी निकालते रहे, क्योंकि कोरोना कब कैसा व्यवहार करे इसकी निश्चिंतता नहीं है। और इसलिए जनता कर्फ्यू का कड़ाई से पालन हो। 7 तारीख तक जनता कर्फ्यू बढ़ाया गया है। 10 जिलों में पॉजिटिव जो केस थे उनकी संख्या लगातार घट रही है। 13 जिले स्थिर हो गए। 6 जिलों में भी प्रतिदिन 50 से कम केस आ रहे हैं। 3 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना नियंत्रण में बहुत अच्छा काम हुआ है, खंडवा, बुनारपुर, छिंदवाड़ा। चिंता वाले जिले कुछ हैं जहां पर लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे यहां इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, इन पर लोड ज्यादा है और इसलिए यहां पॉजिटिविटी रिपेट, कोरोना कर्फ्यू, ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे नियंत्रण पड़ सके, जो समिति बनाई है, गांव के बाहर कैसे क्वारंटाइन करें, इसकी भी बारीक समीक्षा आज की गई है। अगर हम दुनिया को देखेंगे तो दुनिया में जहां भी कोरोना की चेन टूटी है वहां पर कोरोना नियंत्रण में आया है। 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला आज मुख्यमंत्री जी ने लिया है। आज निर्णय ये भी हुआ है कि किसानों की जो खरीदी जारी है वो निरंतर जारी रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी परसों स्ट्रीट वेंडरों के खाते में 1,000 रुपया डालेंगे, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। यह कहना भी मैं प्रासंगिक मानता हूं कि निशुल्क राशन जो 3 माह का है, एक व्यक्ति को वो देने का तय हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने भी 2 माह का दिया है। ऐसे एक व्यक्ति को 10 किलो राशन, मन अगर परिवार में 5 लोग हैं तो 50 किलो राशन प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। थंब इंप्रेशन वाला जो विषय था उसको भी अभी हटा दिया है कोरोना के कारण से, और लोगों को सीधा राशन अब देने की बात की है। हवा की ऑक्सीजन पूर्ति से जूझ रहे हैं लगातार। आज राहत का दिन है ऑक्सीजन में। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भी हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आज राहत का दिन है। एक बात जरूर उन्होंने आग्रह किया है कि जो घर पर पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है और घर पर व्यवस्था नहीं है तो क्वारंटाइन सेंटर में जाएं, क्योंकि अगर वो घर पर रहते हैं तो बाकी लोगों के इन्फेक्शन का खतरा रहता है।
ऑक्सीजन के कंसेंटर लगातार खरीद रहे हैं, लगातार व्यवस्था हो रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बात हुई, आज हमारे टैंकरों के साथ दो टैंकर उन्होंने और दिए और दोनों टैंकर भर के राउरकेला से रवाना भी हो गए, जो संभवतया परसों नरसों तक हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। आज ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी आ गई, 6 टैंकर उसके भी आ गए, ग्वालियर जबलपुर सागर वगैरह भेजे गए, 29 टैंकर आज कल में हमारे पास में पहुँच गए, जो कि राहत की खबर है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको कोरोना की गाइडलाइन पालन करने का भी बोला है। आज मुख्यमंत्री जी ने ऐसा भी कहा है कि निवाड़ी रतिया जिले में जो बस परिवहन से आती है, चूँकि झांसी में कोरोना कर्फ्यू नहीं है, लॉकडाउन नहीं है, तो वहाँ पर भी उनकी बसों के आने जाने पर रोकने पर विचार करना चाहिए। हमारे टैंकर जो हैं ऑक्सीजन के, वो हवा मार्ग से, वायु मार्ग से, रेल मार्ग से और सड़क मार्ग से, इन सबसे लगातार पहुंच रहे हैं। इसलिए कलेक्टर महोदयों को, सभी को मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि कोई अनावश्यक ऑक्सीजन का वेस्टेज ना हो जाए, सही उपयोग हो ये भी देखें और इस बात की चिंता करें। लोग जो घरों पर हैं उनसे लगातार वाच हो और हम उन्हें घर पर रहकर किट प्रदान करें, निःशुल्क किट प्रदान करें, निःशुल्क दवा प्रदान करें, निःशुल्क वेंटिलेटर, निःशुल्क कमरे, बिस्तर, ऑक्सीजन सभी निःशुल्क आज प्रदेश के अंदर प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री जी कल पुनः 17 जिलों की समीक्षा करेंगे, परसों पुनः 17 जिलों की समीक्षा करेंगे और एक साथ अब नहीं करेंगे, जिससे कि और जो समीक्षा होती जाती है उन सभी कलेक्टरों को अब छोड़ दिया जाता है, जिससे कि वो बाकी के कामों में एक्टिव रहे।